12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, वेलकम टू काशी विश्वनाथ धाम। काशी विश्वनाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहां हर साल 70 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। इस मंदिर की बहुत पुरानी कहानी है, इसे बार बार तोड़ा गया, बट इन द ईयर 1777 इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर की दोबारा स्थापना की और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे और भी ग्रैंड, ह्यूज और लार्जर देन लाइफ बना दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ एक कॉरिडोर बना है जिसके थ्रू मंदिर और ललिता घाट जो गंगा पर है उसका रास्ता छोटा और आसान बन चुका है। Temple was only 3,000 square feet, but after the renovation, restoration and upgradation, ये temple अब spread out है for about 5 lakh square feet, जहां दिन में 2 लाख devotees आकर अपना माथा टेक सकते हैं मंदिर में। ये project 2019 में शुरू हुआ था and within 3 years, despite the pandemic, कंप्लीट हो चुका है, जिसका इनॉग्रेशन रिसेंटली स्टार्ट ऑफ 2022 में ही हुआ है। सो व्हाट आर द न्यू थिंग्स एट काशी विश्वनाथ, लेट्स फाइंड आउट। विश्वनाथ टेंपल एक विश्वनाथ धाम बन चुका है जो एक रेकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम 21 महीनों में हमारी सरकार ने इसे बनाया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी कार्विंग है ऑल अराउंड यू, ब्यूटीफुल स्टोन्स बीइंग यूज्ड, और ये है वहाँ का मेन मंदिर जिसके लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो मैं तो जा रही हूँ दर्शन करने। जाता है कि लॉर्ड शिवा खुद आकर काशी में रहे थे और उन्हीं के लिए यहाँ पे मंदिर भी बनाया गया था। पर ये बात जब फैली कि इस मंदिर को तोड़ना चाहते हैं या कुछ लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, शिवलिंग को इस कुएं में छुपाया गया। इस कुएं में आज भी शिवलिंग है जिसका नाम है वेल ऑफ विजडम। काशी विश्वनाथ में सोने के डोम्स लगे हुए हैं ऊपर और माना जाता है कि गोल्डन चक्र को देखकर आप जो इच्छा मांगो वो पूरी हो जाती है। हे भगवान, 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स दे दे। काशी विश्वनाथ धाम बनाते बनाते कई सारे छोटे छोटे मंदिर भी मिले जो घरों के नीचे, बिल्डिंग के नीचे या दुकान के आसपास दब चुके थे या गुम हो चुके थे। इन्हें लॉस्ट टेंपल्स भी कहा जाता है। कम से कम 40 टेंपल ऐसे डिस्कवर हुए थे। यहाँ पर एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, म्यूजियम है, गैलरी है, जहाँ आप उन मंदिर से जुड़े आर्टिफैक्ट्स, आइडल्स या एनी ऑब्जेक्ट दैट इज ऑफ आर्किटेक्चरल वैल्यू पा सकते हैं, देख सकते हैं और उनकी कहानी भी जान सकते हैं। पुराने जमाने में माना जाता था कि गंगा स्नान के बाद हर कोई काशी विश्वनाथ धाम जाकर अपना माथा टेके, पर कई सारे बिल्डिंग घर बनने के बाद ये मुमकिन नहीं था। यही वो कॉरिडोर है जो सीधा गंगा से कनेक्टेड है एंड गंगा स्नान के बाद भक्त सीधा यहाँ आकर काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। कान बिलीव, मैं यहाँ सिर्फ 2 साल पहले आई थी और कितनी बदल चुकी है ये जगह। यू नो, वहीं बैठकर मैंने गंगा आरती एंजॉय की थी, बट टुडे दिस प्लेस लुक्स सो डिफरेंट। तो अब हम आ चुके हैं फॉर अ बोट राइड जहाँ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा होता है ऑफ गंगा आरती दैट हैपेंस एवरी इवनिंग। वाओ, इज़न्ट दिस ब्यूटीफुल?
Well, I have to say, ये सिर्फ काशी मंदिर का रेनोवेशन या रेस्टोरेशन नहीं है, but it also brings back the old glory of Varanasi. आप यहाँ से पूरे घाट का एक ब्यूटिफुल पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं, एक गॉर्जियस सा सनसेट देख सकते हैं, और अब थोड़ी ही देर में गंगा आरती भी शुरू होगी. तो जब भी आप वाराणसी आए, make sure that you visit the Kashi Vishwanath Mandir because it's truly and truly worth your visit. मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ आपके भी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हो गए, पर खुद आना मत भूलिएगा. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स मी काम्या जानी, एंड रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कर्ली टेलर.